हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव प्रकाश। आज हम क्लास 11 एक्सरसाइज 4.1 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इससे पहले चार वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अगर हमें किसी भी इक्वेशन को पीएमआई के थ्रू प्रूफ करना है तो वो हमने इससे पहले डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 17 तक, ठीक है। अब 18 में क्या है, यहां पर इक्वेशन नहीं है, इनइक्वलिटीज है। इनइक्वलिटीज क्या होती है हमारे पास, जैसे कि हम जानते हैं 2 इज लेस देन 5, ठीक है। ये क्या है हमारा, ट्रू है। इसी तरीके से हमारे पास कोई और है, जैसे कि मान लीजिए -3 इज ग्रेटर देन, किससे -3 जो है हमारा बड़ा होगा, -5 से। आप कहोगे सर बड़ा तो ये नहीं भाई, बड़ा ये है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है ना, तो हम जानते हैं -3 -5 से छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। एक चीज और यहां पर हमें ध्यान रखना है कि इनइक्वलिटीज के जो भी रूल्स हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं वो आपको सारे आने चाहिए। कुछ मैं आपको यहां पर दोबारा रिमाइंड कराऊंगा क्वेश्चन के बीच बीच में, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने पर थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। मेथड वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। वहां हम इक्वेशन के लिए सॉल्व करते थे, यहां पर हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, इनइक्वलिटीज के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो भी हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसको क्या लेट करना है, लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट, पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेप तो यही था, तो पी एन मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एन सच दैट 1 + 2 + 3 + कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, और ये क्या लिखा है, लेस देन 1/8 ब्रैकेट में 2n + 1 क्या होल स्क्वायर, ठीक है। ये है मेरे पास, हमें ये शो करना है, ये प्रूफ करना है पीएमआई के हेल्प से, ठीक है। यहां पर इक्वल टू मत लगाना, काफी बच्चों ने मुझे जो है होमवर्क अपना मैसेज किया, ठीक है, उसके बाद मुझे पता चला यहाँ पर वो इक्वल टू का इस्तेमाल करे, तो इक्वल टू नहीं लगाना आपको, सच दैट ही यूज करना है यहाँ पर, सही है। उसके बाद मुझे क्या करना होता था, यहाँ पर एन इक्वल टू 1 पुट करना है, चलो एन इक्वल टू 1 पुट करते हैं, प्रोसेस सेम है। मैंने बताया था एन इक्वल टू 1 पुट करने का मतलब या तो आप फर्स्ट टर्म लिख दीजिए या फिर एन के अंदर 1 पुट कर दो। इस एन का 1 का मतलब क्या होता है, एन इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये मैंने लिखा 1 is less than 1/8, यहां पर मैंने पुट किया 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये 1 is less than, ठीक है। ये हम यहां पर चेक कर रहे हैं 1/8 ये कितना है, 2 + 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 होता है, 9/8। आपको देखो यहां साफ साफ पता चल रहा होगा क्या ये जो है सही है या गलत है, आप बताओ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/8 1 होता है, 9/8 यानी 1 point something आएगा ना, अगर आप इसको क्या करते हो डिवाइड करके देखते हो तो ये क्या क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे 1, हमने एक डेसिमल लगाया यहाँ पर, फिर 0 लिया, फिर जा रहा है 1 पे, यानी ऐसे ही आगे चलता रहेगा हमारा, यानी कि 1 से प्लस है ना, इससे तो बड़ा ही हो गया ये, अगर इससे बड़ा है तो यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही हो गई, और स्टेटमेंट सही हो गई तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, P1 इज ट्रू, P1 is true, ठीक है, यानी कि इस स्टेटमेंट के लिए हमारा P1 true है। उसके बाद हम क्या करते हैं, n equal to k put करेंगे, ठीक है। तो p के टर्म क्या आ जाएगी, p के such that 1 + 2 + 3 + कहां तक, k तक जा रहा है, और less than है 1/8, n की जगह मैंने k रखा, ठीक है। और इस इक्वेशन को क्या करूंगा, मैं फर्स्ट लेट करूंगा, इस एक्सप्रेशन को क्या लेट किया मैंने, फर्स्ट लेट किया, ठीक है। आप क्या पुट करना है मेरे, पुट n इक्वल टू k प्लस 1, और हमें यहां पर पता भी है कि क्या होता है, हमें एज्यूम करके चलना है, एज्यूम दैट pk इज ट्रू, ठीक है। ये सारी बातें आपको लिखकर दिखानी है, अगर लिखकर नहीं दिखाओगे तो मार्क्स कटेंगे, क्या आएगा 1 + 2 + 3 कहां तक, n तक, और n की जगह क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है, इज लेस देन किससे,
इससे यहाँ पर पुट करो जरा 1/8 ब्रैकेट में। अच्छा यहाँ पर बताओ n की जगह अगर k प्लस वन रखोगे तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 2। भाई इस n की जगह मैंने k प्लस वन रखा, कितना आएगा 2k प्लस 2 और प्लस वन प्लस 3, यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको थोड़ा टाइम बचाना, पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर कर लिख सकते हो। अब ये प्रूफ करना है मुझे, है ना, किसकी हेल्प से प्रूफ करना है, इसकी हेल्प से प्रूफ करना है। तो इसकी हेल्प से प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अभी तक क्या करते थे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और सॉल्व कर देते थे। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोल सकते हम इसको, हालांकि कुछ बच्चे कुछ टीचर भी इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड होती नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड वहां पर बोलेंगे, राइट हैंड साइड वहां बोलेंगे हम जहां पर हमारे पास इक्वल टू का साइन होगा या फिर जो हम कहें इक्वेशन होगी। ये क्या है, इक्वेशन नहीं है हमारी, क्या है हमारी इनइक्वलिटीज है। ठीक है, क्या है हमारी इनइक्वलिटीज है। ठीक है, तो इनइक्वलिटीज के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूज नहीं करते। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखो, हम इसको समझने के लिए कह सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है मुझे कि ये साइड किससे छोटी है, इससे छोटी है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, फर्स्ट ये लिख दी मैंने यहां पर। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट है ना इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसमें क्या करना होता है मुझे, यहां पर एक बार बताओ ये कहां तक जा रही है, के तक जा रही है, ये क्या है k+1, ये k+1 तक जा रही है। अगर मैं क्या करूं इसके अंदर k+1 ऐड कर दूं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल आ जाएगी। एक बार जरा करके देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहां लिखा फ्रॉम फर्स्ट 1 + 2 + 3 कहां तक, के तक। ठीक है, क्या है ये 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा एडिंग k+1 ऑन बोथ साइड्स, k+1 बोथ साइड्स ऐड करूंगा। देखो इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 2 हमारा क्या है, छोटा है 5 से, ये सही है हमारा। हाँ ठीक है, अगर मैं क्या करूं दोनों साइड 3-3 और ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2+3, ये कितना हो जाएगा 5+3। तो ये अभी भी तो हमारा सेम ही रहेगा, रिजल्ट में कोई फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं k+1 बोथ साइड्स ऐड करता हूं तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने लिखा 1 + 2 + 3 ऐसे ही कहां तक जा रहा है, ये k+1 तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर ऐड करूंगा कितना आएगा 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर और प्लस ये, सही है, k+1 मैंने ऐड किया। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा, किसको सॉल्व करूंगा, इसको, ये हम किसके इक्वल ला चुके हैं, इसके इक्वल ला चुके हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको कहां पर सॉल्व कर रहा हूं, देखो मैं ये मिटा देता हूं इसकी, क्योंकि जरूरत है नहीं हमारे पास ये, चलो उसकी जरूरत पड़ेगी थोड़े से आगे, इसको सॉल्व यहीं पे कर लेता हूं मैं, इतने में हो जाना चाहिए। सबसे पहले 1/8 इसका होल स्क्वायर खोल लेता हूं, ठीक है, होल स्क्वायर में रफ में खोल लेता हूं, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2ab करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 × 1 2 और 4k। ठीक है, ये आ गया, कितना आ गया 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k और प्लस k प्लस 1 मेरे पास अलग से है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि 1/8 की मल्टीप्लाई सिर्फ इस वाले ब्रैकेट के साथ हो रही थी, इसलिए इसके साथ लिखा हुआ है, इसके साथ नहीं है, कहीं आप इन दोनों को ही होल ब्रैकेट कर दो तो गलत हो जाएगा। सही है, आगे और सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका, भाई 8 अब इसके पूरे के नीचे है ना, एलसीएम कैसे लूंगा, एलसीएम लेकर भी देखो यहां पर आपको बता देता हूं मैं, 4k² + 1 + 4k / 8 दिया हुआ है एक तरीके से, इस 8 की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना आएगा 8k + 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 पूरे के नीचे आ जाएगा, तो लिख दो ये स्टेप यहां पे, लिख दो सर 4k² + 1 + 4k, ठीक है, प्लस 8k + 8 अपॉन में 4, ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए आप याद करना या नोट करके रख लेना वीडियो पॉज करके, ये मैं यहां से मिटा रहा हूं, सही है, ये आ गया। इसको प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस करूंगा तो क्या आएगा,
फोर के स्क्वायर तो फोर के स्क्वायर ही रहेगा, ये एट अपॉन, ठीक है। फोर के और एट के कितना सर, ट्वेल्व के हो जाएगा, वन और एट नाइन हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में एट ये हो जाएगा। ये आपको शो करना है, ये आपको टू प्रूफ करना था, यानी कि ये हमारे लिए क्या था, टू प्रूफ था, और ये हमारा प्रूफ चल रहा है इसका। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करूं, देखो मैं क्या इक्वेशन बन रही है मेरे पास, क्वाड्रेटिक बन रही है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर ले, फोर नाइन से 36 है ना, तो 36 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि जिसका सम 12 मिले, क्या 3 और बोलो करके देख लो भाई। ये देखो 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करी, 9 के साथ, कितना आ गया 36। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लीकेशन 36 आए और प्लस करके ये 12 आए, हमें दो नंबर ढूंढने हैं। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिनकी हमारी मल्टीप्लीकेशन ये आए और एडिशन ये आए, 6 into 6 कर लो कितना आ रहा है 36, प्लस करना ये आ रहा है, यानी कि फैक्टर मिल गए। कैसे लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं सर मिडल वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, मैंने स्प्लिट किया, 12k को लिख सकता हूँ 6k plus 6k, बाकी दोनों टर्म एज इट इज। इन दोनों में से क्या कॉमन, दोनों 2k टेबल में जा रहे हैं, 2k ये कितना 2k ही बचेगा, ठीक है। ये कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन, दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं, कितना मिलेगा 2k plus 3। फिर दोबारा से 2k plus 3 कॉमन आ रहा है, तो 2k plus 3 और 2k plus 3, तो आपको नजर आ रहा है कि 2k plus 3 का होल स्क्वायर में किसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, इसकी जगह यूज कर सकता हूं, ठीक है। इसको यहां आगे करके दिखा रहा हूं मैं क्या लिख सकता हूं, 2k plus 3 का होल स्क्वायर यहां कर रहा हूं आगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, 2k plus 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 8। थोड़ा सा जरा दिमाग लगाना, क्या प्रूफ करना था मुझे कि ये वाली जो साइड है वो छोटी है किससे, इससे, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो एक जैसी, हम पहले कर चुके हैं, और ये हमारी प्रूफ हो गई कि हाँ ये हमारे इससे छोटी है। बस आपको इसको भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है, इसको भी यहां पर साथ में लेकर चलना, ये k प्लस 1 तक जा रही थी, ठीक है, ये भी एज इट इज, यहां भी एज इट इज, ऐसे मत लगा देना एग्जाम में, मैंने लगा दिया, ठीक है, टाइम बचाने के लिए आप मत लगा देना, कहीं आप भी ऐसे लगाकर आ जाओ, मार्क्स भी ऐसे लगा देंगे हो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, फाइनल स्टेटमेंट वही देनी है, व्हेनेवर पीके इज ट्रू हेंस पीके प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 24 करते हैं। आप में से बहुत से फिर से सोच रहे होंगे सर ने क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक छुड़वा दिए, क्या वो कराएंगे, नहीं कराऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, उनका टाइप अलग है, ठीक है। आज हम यहाँ पर इनइक्विटीज को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इनइक्विटीज होती हैं तो उनको हम कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत आता ही हमारा एग्जाम में, ठीक है। पी एन सच दैट 2n+7 लेस देन n+3 का स्क्वायर, इसको शो करना है, चलो करते हैं। सेम स्टेप, पहले n इक्वल टू 1 पुट किया, ठीक है, तो p1 क्या आ जाएगा, p1 सच दैट 2 1+7, ठीक है, लेस देन 1+3 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा, 2+7 कितना 9 हो जाएगा, ये कितना 4 का स्क्वायर, 9 इज लेस देन 16, ये तो सही है, तो P1 इज ट्रू, यानी कि हमारा P1 क्या आ गया, ट्रू आ गया। और अगर P1 ट्रू आ गया तो क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, सर K पुट करना होता है, तो पुट N इक्वल टू K, चलो K पुट करते, पी के सच दैट 2k+7, ठीक है, मैंने यहां पर किससे रिप्लेस किया, K के साथ रिप्लेस किया, इसको क्या लेट कर लूंगा सर, फर्स्ट लेट करना, इसको कर लिया, ठीक है, और n की जगह क्या पुट करना है, अब k+1, तो यानी कि pk+1 सच दैट क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर k+1 रखूंगा, क्या आएगा,
2k plus 9, ठीक है। उसके बाद लेस देन यहां पर पुट करूंगा, क्या आएगा k plus 3, कितना हो जाएगा k plus 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या करना है मेरे को, 2k plus 9 ठीक है इज लेस देन, इसका भी स्क्वायर खोल दो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8k, ये आपको प्रूव करना है और इसको हम प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज करके फर्स्ट का, ये मैं यहां से मिटा रहा हूं। चलो मैंने क्या बताया था पिछले वाले पार्ट में, क्या किया था मैंने, k प्लस वन की ये वाली साइड, ये जो साइड है ये दी थी, ठीक है। और क्या करा था, मतलब k की ली थी और इसमें इसको इक्वल बनाया था। आप ये बताना, अगर मैं फर्स्ट से फिर लिख रहा हूं यहां पर फ्रॉम फर्स्ट, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, अगर फर्स्ट को मुझे यहां इसके इक्वल बनाना है तो कैसे कर सकता हूं मैं, फर्स्ट पहले तो लिख देता हूं, क्या है मेरे पास, फर्स्ट है मेरे पास ये 2k plus 7 इज लेस देन k plus 3k होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बनाना है, इसको ये बनाना है, दोबारा बोल रहा हूं, हमें क्या करना होता है, पहले tk वाली टर्म लेनी होती है और इन दोनों को फिर इक्वल करना होता है। तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, जब मैं इसमें 2 ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, कितना मिलेगा 2k प्लस 9 हो जाएगा सर, ये चलो हो गया, लेस देन ये कितना हो जाएगा k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, अलग से इसमें ही मत कर देना भाई, प्लस 2 अलग से दूसरी टर्म है, ठीक है यहां पर। और यहां मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि टर्म्स के साथ जब ऐड होगा तो यही आएगा, यहां पहले स्क्वायर को लेगा फिर ऐड होगा, सही है। अब इसके बाद इसको मुझे क्या करना है, ऐसे ही लेकर चलना है साथ में और यहां सिंप्लीफाई करना है, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा क्या मिलेगा, यहां पर खोल के दिखा दूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 9, फिर उसके बाद 2ab यानी कि 3 into 2 6k, ठीक है, और प्लस 2 एज इट इज, तो कितना मिलेगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, इसका यूज करना है, ठीक है, एक किसका यूज करना है, यहां पर इसका यूज करना है जो आपको प्रूफ करना है। आप चाहे तो इसको सेकंड भी लाइट कर सकते हो, इसको थर्ड भी लाइट कर सकते हो, ठीक है। अब देखना जरा थोड़ा ध्यान से, यहां पर समझने वाली बात है, पिछले क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। एक बार बताओ ये वाला हमारा किससे बड़ा, किससे छोटा, इससे छोटा, और ये इससे छोटा, हमें प्रूफ करना है। एक बार ध्यान से समझना जरा, मैं लिख सकता हूं ऐसे कि अगर 2 मेरा क्या है, किससे 3 से छोटा है और 3 5 से छोटा है, तो क्या ये इससे भी छोटा होगा, हाँ होगा, तो देखो, अरे भाई 2 3 से छोटा, 3 5 से छोटा, तो 2 हमारा 5 से छोटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा, ये यहां से देखो इससे छोटा, जो कि हमें पता है, ये तो जानते हैं हम, ये इससे छोटा ये भी जानते हैं, और ये इससे भी छोटा होगा ये भी जानते हैं, यानी कि ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर वेरिएबल की फॉर्म में है, यहां पर नहीं पता लग पा रहा, लेकिन एक चीज जानते हैं हम, अगर किसी तरीके से इन दोनों में रिलेशन बना दे तो पता चल जाएगा, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। अब ध्यान से देखना जरा, इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, इन दोनों में कौन सा छोटा है बता सकते हो, बताओ। मैं यहां लिख रहा हूं देखो k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 11, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा, ये 6k प्लस 11, ठीक है, पहले pk वाली टर्म लिखी। अब ये ध्यान से देखना, ये क्या है, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, ठीक है। हम जानते हैं कि ये किसके लिए प्रूफ कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ कर रहे हैं। अगर नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करने हैं तो हम ये तो जानते हैं कि k स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा,
और 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी पॉजिटिव रहेगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन एक बात और जानते हैं हम, क्या जानते हैं कि जो 6k की वैल्यू है वो हमेशा 8k से छोटी होगी या नहीं होगी, क्योंकि k की पॉजिटिव वैल्यू की बात करी जा रही है यहाँ पर, नेचुरल नंबर की बात करी जा रही है। अगर नेचुरल नंबर की बात करूं तो 6k हमेशा छोटा होगा किससे, 8k से। 11 हमेशा छोटा होगा किससे, 6k से। एक बार बताओ ये दोनों इक्वल पार्ट, ये इससे छोटा 11, 16 से छोटा, तो क्या ये पूरा इससे छोटा होगा? हाँ सर होगा। और इससे छोटा क्या है, इससे छोटा ये रहा देखो 2k+9 है। तो फिर से भाई देखो वही रूल यूज करूंगा मैं, इसको और इसको बता सकता हूं मैं भाई, जब ये इससे छोटा और ये इससे छोटा तो आपस में ये दोनों क्या रिलेशन बनाएंगे कि 2k+9 इज लेस देन k² + 8k+16 होगा। यही प्रूफ करना था, वो तो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ, फाइनल स्टेटमेंट वही देनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट देख ले, समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में पूछ ले, और भी दिक्कत आती है तो आपको अगले सवाल में समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला सम देखना, छोटी छोटी बातें बस आपको याद रखनी है, ये छोटी छोटी बातें कोई भी बच्चा कर लेगा यार। ठीक है, फिफ्थ के लिए बात करें, फिफ्थ में क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1+x की पावर n। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर, ठीक है, pn such that 1+x की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1+nx, इसके लिए करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, सबसे पहले सर, सबसे पहले तो n इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, चलो कर दिया n इक्वल टू 1, तो p1 सच दैट 1+x की जगह मत कर देना, n को रिप्लेस करना है। ठीक है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, x को ही रिप्लेस कर देते हैं, किसको रिप्लेस करना है, n को 1+1 × x, ये आ गया, ये कितना 1+x। ठीक है, ये कितना 1+x, जो कि हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, जो कि क्या है, हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इसको यहां लिख सकते हो p1 इज ट्रू, जो कि लिखकर दिखाना ही है। उसके बाद n की जगह क्या पुट करना है, k पुट करना है। ठीक है, एज्यूम करना है, अगर मैं कहीं पर ये लिखना बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें लिखना नहीं है, ये लिखना ही है। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी है, एज्यूम दैट pk इज ट्रू, pk सच दैट 1+x की पावर k 1+kx, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद क्या पुट करना है, पुट n इक्वल टू k+1। ठीक है, pk+1 सच दैट 1+x की पावर k+1 हो जाएगी, क्योंकि n को रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, फिर से भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1+n की जगह k+1 × x, ये है। और अब मुझे प्रूफ क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 1+x की पावर k+1 इज ग्रेटर देन, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, k × x हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। फिर से भाई इसको क्या लेट करूंगा मैं, सेकंड लेट कर लूंगा, क्योंकि इसका भी अब यूज हो सकता है। 18 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा, कंपेयर ही करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन जल्दी से एग्जाम में नहीं आता, अगर एग्जाम में आ रहा है तो अपनी किस्मत को अच्छा समझना। ठीक है, कैसे करना है, इसके बाद इसको प्रूफ करना है, क्या करूं, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, यानी कि ये क्या है मेरे पास, 1+x
ई पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस के एक्स। क्या करना होता है सर, इसको ये बनाना होता है। क्या बनाना होता है, टू प्रूफ में जो ये साइड होती है और ये साइड जो फर्स्ट में होती है, इन दोनों को इक्वल करना होता है। एक होता है यहाँ पावर कितनी प्लस वन, पावर एड तो होती है जब बेस सेम से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो बेस यहां पर क्या है वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब ऊपर लिखूंगा, इसके बाद यहां से ये मैं मिटा रहा हूं, ये यहां से मैंने मिटा दिया। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, ये के प्लस वन हो जाएगी नहीं हो जाएगी, लिखकर दिखाऊं। अरे भाई इलेवंथ क्लास में इतना तो कर ही लोगे, हाँ ये आ गया। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं वन प्लस के एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, वन प्लस एक्स के साथ, लो वन प्लस एक्स लिख दिया, मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो अब मेरे साथ बस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, वन की वन के साथ वन आ गया, इस वन की एक्स के साथ एक्स आ गया, के एक्स की वन के साथ के एक्स आ गया, के एक्स की इसके साथ कितना आ जाएगा के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखो ऐसे ही करते ना मल्टीप्लाई, पहले पहले वाले नंबर की दोनों के साथ, फिर दूसरे वाले नंबर की दोनों के साथ, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसको थर्ड लेट करना है। और अब यहां पर फिर से दोबारा से देखो वही समझाऊंगा मैं, अगर मैं किसी तरीके से सेकंड और फर्स्ट बना, सेकंड और थर्ड में रिलेशन बना दूं तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यहां देखना, मैंने लिखा सबसे पहले वन प्लस, पहले ही लिखा, ठीक है, वन प्लस एक्स प्लस ए एक्स, आप ये भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं आपके मन में डाउट आ रहा हो कि सर ये क्यों नहीं लिख रहे, कुछ भी लिख सकते हो आप, वो तो आपको कंपेयर करने के ऊपर है कि आप जब कंपेयर करोगे वो सही होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा मैंने, इन दोनों में कौन छोटा होगा बताओगे, ध्यान से देखना जरा, वन यहां भी और यहां भी, के एक्स यहां भी, यहां भी, एक्स यहां भी और एक्स यहां भी, बड़ा कौन हुआ सर, बड़ा तो ये हुआ, इसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा है और पॉजिटिव ही है, ये भी हम जानते हैं। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर कोई भी टर्म हो, ठीक है, के के अंदर कुछ भी हो, दोनों पॉजिटिव ही होंगे ना, क्योंकि के तो हमारा ऑलरेडी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, और स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, तो यानी कि ये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हमारे पास बड़ा है किससे, इससे, ये बड़ा है किससे, इससे, तो मैंने लिखा देखो यहां पर ये वाला बड़ा है हमारा किससे, इस वाले से, वन प्लस के एक्स प्लस एक्स, इससे बड़ा है, ये ब्रैकेट भी लगा देना, ठीक है, ये बड़ा है। और उसके बाद ये किससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन, इससे बड़ा है, इससे बड़ा क्या है, ये है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना यार, एक बार बताओ, ये वाला इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन बनेगा, कि वन प्लस एक्स की पावर के प्लस वन बड़ा होगा वन प्लस के एक्स प्लस एक्स से, और इक्वल टू भी लगा लेना क्योंकि हमारे साथ इक्वल टू चल रहा है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू चल रहा है ना। क्या प्रूफ करना था, कहां गया यार, ये प्रूफ करना था, देखना टू प्रूफ पे लिखा हुआ है, हो गया प्रूफ, क्वेश्चन आपका खत्म। पहले वाले से इजी है, बस आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना आना चाहिए, कंपैरिजन करना तभी आएगा जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो दिमाग का इस्तेमाल करो और क्वेश्चंस को करते जाओ। इसको मिटा रहा हूं मैं, वीडियो पॉज करके देख लेना, एग्जांपल नंबर 7 करा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 में सेम स्टेप, पी एन सच दैट वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस, कहां तक जा रहा है सर, एन के स्क्वायर तक जा रहा है, और कह रहा है कि ये ग्रेटर है किससे, एन क्यूब अपॉन में 3 से।
और n हमारा कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, जो कि हम जानते ही हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में भी कह रहा था ऐसा कुछ, ये आ गया। अब कैसे करना है? अरे बहुत इजी है, अब तो यार बोर नहीं होंगे होंगे करते करते, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। वन पुट करूंगा, वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहां पुट करूंगा वन का क्यूब अपॉन में थ्री, ठीक है। ये कितना आएगा, वन आएगा, इज ग्रेटर देन वन बाय थ्री, क्योंकि वन का क्यूब वन ही होता है और हम जानते हैं वन बाय थ्री की वैल्यू 0.33 समथिंग कुछ आएगी, जो कि सही है, यानी कि पी वन इज ट्रू, ठीक है। क्या पुट करना है, एन इक्वल टू के पुट करना है, एन इक्वल टू के पुट करूंगा तो पी के सच दैट वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर कहां तक, के स्क्वायर तक, और ग्रेटर देन किससे, के क्यूब अपॉन में थ्री, ठीक है। ये आ गया, इसको क्या लेट करना है, फर्स्ट लेट करना है। क्या करो इसके बाद, पुट कर दो n इक्वल टू के प्लस वन, तो p k प्लस वन सच दैट वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस k प्लस वन का होल स्क्वायर। k प्लस वन का सर क्यों, n की जगह रखना, जरा क्या मिलेगा, k प्लस वन का होल स्क्वायर तो मिलेगा, रख दिया, ठीक है। ये आ गया ग्रेटर देन के प्लस वन का होल क्यूब अपॉन में थ्री, ये मिल रहा है, ठीक है। इसको मुझे क्या लेट करना होता है, टू प्रूफ करके लिख देता हूँ पहले, और उसमें थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लूंगा जिससे कि इजी हो जाएगा। तो क्या प्रूफ करना है मुझे, कि वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर है किससे, इससे, ठीक है। इसका क्यूब खोल देगा, आइडेंटिटी याद होगी आपको, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, यानी कि थ्री के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, यानी कि थ्री के अपॉन में थ्री। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्यूब की आइडेंटिटी याद होगी, याद नहीं है तो यहां से लिख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है कि हमारा ए है, वन हमारा बी है, इसको पुट करके देखोगे यही मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद इसको मुझे क्या लेट करना होता है, इक्वेशन नंबर सेकंड, चलो इसको मैंने सेकंड लेट कर लिया क्योंकि ये मुझे प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना है, सेकंड लेट कर लिया, ठीक है। चलो सेकंड लेट करने के बाद क्या करें, प्रूफ करते हैं, है ना। चलो किससे, फर्स्ट की हेल्प से, मैंने ये लिख दिया, इसको तो मिटाई देते हैं, इसकी भी क्या जरूरत, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट की बात कर रहा हूं इसकी। क्या करना है मुझे, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कहां तक, के स्क्वायर तक, ग्रेटर देन के क्यू प्लस थ्री तक, ठीक है। फिर क्या करना है मुझे, इसको ये बनाना है, एक बता रहा, ये टर्म कहां तक जा रही थी, k प्लस वन के होल स्क्वायर तक, ये कहां तक जा रही है, k स्क्वायर तक। अगर k प्लस वन का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो तो हो जाएगा एडिंग k प्लस वन का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। करते हैं, क्या मिलेगा, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस कहां तक, k स्क्वायर तक तो जा ही रहा था और अब जा रहा है k प्लस वन के होल स्क्वायर तक, और ये किससे बड़ा होगा, के क्यूब बाय थ्री प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर, इससे बड़ा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आपको लिखकर दिखाना है। इसको सॉल्व करते हैं, के क्यूब अपॉन में थ्री प्लस इसका स्क्वायर खोलूंगा कितना आएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, एलसीएम ले लेना, इसके बाद ये वन लिख लेना यहां पर डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोलने के बाद क्या, ये और इसके नीचे मैंने वन लिया, अब एलसीएम लूंगा, इसके आगे कहां सॉल्व करूं, इसको मिटा दूं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो इसको भी मिटा दी क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एलसीएम लिया तो क्या मिलेगा, के क्यूब प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स के
अपॉन में 3, ये मिल गया। कुछ टर्म्स हैं जो ऐड हो रही है, नहीं ऐड तो नहीं हो रही सर, यही मिल रहा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसमें और इसमें रिलेशन बनाते हैं। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी मेरी, ये थर्ड आ जाएगी, ठीक है, कौन सी आ गई, थर्ड आ गई। यहां पर प्रूफ करते हैं, इधर ये तो कर ही चुके हम, जब तक लगा लो दिमाग कि कैसे कंपेयर करना है। सोचा नहीं सोचा, अब देख लो कोई बात नहीं, इसको कंपेयर करते हैं। k क्यूब यहां पहले लिख लेते हैं जो सेम एलिमेंट है, ठीक है, या सेम टर्म है, ये वाली टर्म हमारी सेम मिल रही है। उसके बाद 3k स्क्वायर मिल रहा है, 6k यहां 3k, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ k वाले के लिए, ठीक है, यहां 1 यहां 3, कौन सा बड़ा, इसके लिए ये बड़ा हुआ, यानी बाकी दोनों टर्म्स के लिए बड़ा कौन होगा, ये होगा। तो फिर से भाई पहले ये लिखूंगा मैं कि k क्यूब 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k अपॉन में 3, ठीक है, ये किससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, मैंने लिखा यहां पर ये किससे बड़ा होगा, इससे, k क्यूब प्लस 1, चाहे तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो बोल रहा हूं, ये बड़ा है किससे, इससे, तो देखो ये बड़ा है इस, सही लिखा मैंने। उसके बाद हम जानते हैं कि इससे बड़ा क्या है, ये है, ये उतार देता हूं मैं, वाली साइड यहां लिख देता हूं, क्या है 1 स्क्वायर, कहां से लेकर 1 स्क्वायर से लेकर के प्लस 1 के होल स्क्वायर तक, ठीक है, है। फिर से भाई क्या इन दोनों में रिलेशन कुछ बन जाएगा, क्या बनेगा, ये वाला बड़ा होगा उससे, ये प्रूफ करना था, हो गया देखो प्रूफ, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर है किससे, के क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k/3 से, हैंस प्रूफ। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, आराम से, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, अच्छे से करके रखें इसको, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।